हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास जलेबी है। तो आज हम जलेबी बनाने जा रहे हैं कि जो कि बहुत ही सॉफ्ट और कुरकुरे बना है और ये बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों, ये हमारा जो रेसिपी है उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगी आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 100 ग्राम मैदा ले लिया है, सॉरी 150 ग्राम हमने मैदा ले लिया है। और हमारे पास 1 टेबल स्पून अरारोट पाउडर है और 10 ग्राम हमारे पास बेकिंग सोडा है और हल्की सी चुटकी भर सेफ्रॉन कलर है जो कि हम इसमें मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये 50 ग्राम बटर है, आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं। इसे अब हम हल्की हल्की गर्म पानी के साथ इसका हम बैटर बना लेंगे। तो बैटर बनाने के लिए हम इसे मिक्स करने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ मिक्सी का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से बैटर इसका बन जाए। तो आइए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हम इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और कम से कम 10 मिनट तक मिक्स करेंगे। जितना ही अच्छा हम मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा हमारा ये जो जलेबी है उतना ही अच्छा कुरकुरे बनेगा। तो दोस्तों देखिए, जलेबी का हमारा बैटर रेडी है और इसमें देखिए इतनी अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स किया है कि यहाँ लम्स नहीं दिख रहा है इसमें कहीं भी। तो आइए अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, रख देंगे। फिर हम चाशनी बनाएंगे इसके लिए। तो दोस्तों, मैंने इसे सील पैक कर लिया है और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ताकि ये रेस्ट ले लें। और आप चाहें तो मैंने जब बेकिंग सोडा डाला उस जगह पे आप इनो भी डाल सकते हैं, वो इनो भी यही काम करेगा। तो आइए अब इसे हम छोड़ देते हैं और चलते हैं हम चीनी का घोल बना लेते हैं, मीन्स चाशनी बना लेंगे। तो दोस्तों, जलेबी के लिए सबसे पहले तो हम चाशनी हम बनाने जा रहे हैं। तो चाशनी के लिए मैंने 250 ग्राम चीनी ले रखा है और हम इसमें पानी डालते हैं और पानी डाल के इसका हम चाशनी रेडी करते हैं। तो दोस्तों, चाशनी में मैं हल्का सा 4 छोटी इलायची का जो हमारा बीज है उसे हमने कूट के डाल दिया है, छोटी इलायची को। तो आइए अब इसे हम बनने देते हैं चाशनी को। तो दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको हटा लेते हैं प्लास्टिक को अपना और अब हम इसे एक कोन में डाल लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने बैटर को 15 मिनट बाद हटा लिया है और इसे एक बार फिर से हम अच्छी तरह से घुमा लेंगे बैटर को वन साइड में। आप चाहे तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। तो अब हम इसे इस बैटर को हम किसी कोन में रख लेंगे या फिर आपके पास अगर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको ये जलेबी का, आप उसमें भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लास्टिक का आप स्पेशल कोन बना सकते हैं। तो आइए मैं इसमें फिल कर लेता हूँ अच्छी तरह से, इसे बैटर को अंदर तक भर लेता हूँ। फिर मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी तेल गरम करने के लिए रख लिया हूँ और आई थिंक हमारा तेल गरम हो चुका है। तो आइए अब हम उसे जलेबी का रूप दे देंगे। तो इसका कवर को भी हमने बंद कर लिया है। तो आइए अब हम तेल में अब ले चलते हैं, इसे छानते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमने इस तरह से हमारा जलेबी का शेप दे रखा है। तो आइए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम तल लेंगे और तलने के बाद हम चाशनी में इसे डुबा लेंगे। इस तरह से हम सारे जितने भी हमारे जलेबी का बैटर है उसे हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स जलेबी बना लेंगे। फिर उसके बाद हम आपको लास्ट का स्टेप दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा जब गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये, तो इसे हम निकाल कर और हम चाशनी में भिगो देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने चाशनी में इसे डाल दिया है और इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हम सभी को इस तरह से ही कर लेंगे, मीन्स जलेबी बनाएंगे और चाशनी में छोड़ देंगे। तो 5 मिनट में जो हमारा चाशनी है वो जलेबी सक कर लेगा।
तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो जलेबी है वो रेडी हो चुका है। तो आप चाशनी में छोड़कर 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए ताकि ग्रेवी जो हमारा जो जलेबी है वो हमारा जो चाशनी है उसे खींच ले, सक कर ले। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा रेसिपी, आप मुझे लाइक या कमेंट करके बताइए और आप मुझे ज़रूर उसमें लिखिए कि आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।